Salam gamers, welcome to the video and those people who are new on our channel, most welcome. Hope that you all are good and fine. तो भाई जो न्यू मेंबर है उनको मैं बता दूं कि मैं करने वाली हूँ यूसी गिव अवे, साथ ही साथ पॉपुलैरिटी गिव अवेज भी होंगे. सो इफ यू आर न्यू सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दो. इससे पहले एक गिव अवे कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा गिव अवे रहा था. अब जो नेक्स्ट गिव अवे करूंगी वो मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर करूंगी. सो आप सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो मेरा चैनल ताकि वो सब्सक्राइब करें, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो हम गिव अवे स्टार्ट करेंगे. और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑल कर देना ताकि आपको पता लग जाए वीडियो का और आप पार्टिसिपेट कर सको. तो ये वाली वीडियो है अपडेट के हवाले से और बहुत ही अमेजिंग फीचर और न्यू अपडेट मैंने इसके अंदर आपके साथ शेयर की है. मेक श्योर आप लास्ट तक देखो और मुझे जरूर बताओ कमेंट में आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी. और इसके अलावा इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसको भी चेकआउट कर लो, उसमें भी बहुत अमेजिंग चीजें हैं, ठीक है ना. तो आप पूरी वीडियो देखना, पिछली वीडियो भी देख लेना इस वीडियो के बाद, ताकि जो न्यू चीज़ें आएंगी अगली अपडेट में वो आपको ऑलरेडी पता हो, ना कि आपके फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं और आपको खबर ही ना हो. तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली अपडेट है वो बहुत ही ओपी होने वाली है और इसके अंदर ये है कि आपको एक तरह से शील्ड मिल जाएगी. ओपन में आप होते हो तो आपको जो है ना कहीं से भी एकदम से फायरिंग आती है, तो आप इससे एक बहुत अच्छी शील्ड बना सकते. अब देखें दिखने में कुछ इस तरह से है, तो आप इसको थ्रो करके शील्ड बना सकते हो. तो ये काफ़ी टाइम पहले लीक्स आई थी कि भाई पबजी मोबाइल में अपडेट आने वाली है, लेकिन फाइनली अब जाके आई है, काफ़ी टाइम बाद आई है. एंड द बेस्ट थिंग इज़ के नॉन ब्रेकेबल है. एक तो आपको कवर मिल रहा है और ऊपर से टूटेगा भी नहीं. सो अब तक तो यही है कि ये टूटेगा नहीं, और अगर ये नहीं टूटेगा तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, प्लस पॉइंट मिल जाएगा इस चीज़ को. सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. अगर आपने स्टिल मेरी वीडियो लाइक नहीं की है, यू नो आप लाइक करते हो तो मोटिवेशंस मिलती हैं कि और अच्छी से अच्छी वीडियो. नेक्स्ट अपडेट जो है वो हमारे स्कोप में होने वाली है. एक तरह से जो हमारे पास होलोग्राफिक होता है उसके अंदर नियॉन लाइट हमें देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही कूल लगता है. अब देखें नियॉन लाइट होगी ना तो थोड़ा थोड़ा ग्लो करेगा, इफेक्ट पड़ेगा, एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा. तो ये अपडेट भी अच्छी लगी मुझे, प्लस पॉइंट है ये भी. ये जो अपडेट है काफ़ी अच्छी अपडेट आने वाली है. लिटरली मुझे बहुत अच्छी अपडेट्स मिल रही हैं 1.5 की अपडेट में, और साथ ही साथ होप सो आपको भी पसंद आ रही होगी. जो नेक्स्ट हमारे पास अपडेट आने वाली है वो बहुत ही ओपी है और मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे जब हमारे पास लेस एमओ होती है गन के अंदर तो गन रेड हो जाती है पूरी, और हमें जो है ना अक्सर ऐसा होता है सिचुएशन बहुत पैनिक होती है तो हम गन स्विच नहीं कर पाते. तो इस अपडेट में ये होगा कि आपका जो बंदा होगा वो ऑटोमेटिकली अपनी गन स्विच कर लेगा, ठीक है. आपको ज़रूरत नहीं है टैप करने की, आपका जो प्लेयर है जैसे ही एमओ ख़त्म होगी आपका बंदा ऑटोमेटिकली स्विच कर लेगा, जैसे कि आपने अभी क्लिप में देखा. तो इसी बात पे थम्स अप दे दो वीडियो को और अपने पबजी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो मेरी वीडियो. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जितना कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, आपको इतने अच्छे अच्छे फीचर्स बता रही हूँ. तो अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं. इसके अंदर ये होगा नेक्स्ट अपडेट में कि हमारे पास जो जॉर्जिया पूल का जो फर्स्ट वाला वेयर हाउस होगा उसके अंदर गेट लग चुके हैं, जैसे कि ऑटोमेटिकली गेट होते हैं ना, पास जाओ तो खुल जाते हैं और इस तरीके से बंद हो जाते हैं. तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाएगा जब आप होल्ड कर रहे होगे वेयर हाउस के अंदर, तो जैसे ही कोई एनिमी अंदर आएगा तो ये गेट खुलेंगे और ऑब्वियसली आवाज़ भी होगी, और अगर आप टीपीपी कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि भाई कोई अंदर आया है. तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट, आपको एक तरह से ट्रिक्स का मौका मिल जाएगा. अब नेक्स्ट जो अपडेट है वो दोबारा से जॉर्जो पर ही है. यहाँ पे देखो एक लिफ्ट सी बन गई, जो हमारे पास कंटेनर है हम इसके ऊपर पहले नहीं जा सकते थे, लेकिन अब देखो यहाँ पे दो इस तरह के ब्लॉक हैं. आप डाउन वाले के ऊपर चढ़ोगे तो ये आपको ऊपर भेज देगा टॉप पर, और इसी तरीके से सेकेंड वाला नीचे आ जाएगा, और जब आपको नीचे जाना होगा तो आप इसी के ऊपर चढ़ जाना और ये डाउन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो साइड वाला होगा वो अप हो जाएगा. तो इस तरीके से लोग अपने जो है ना ट्रिक्स निकाल लेंगे, अच्छे से यूज़ कर लेंगे, क्योंकि टाइम नहीं लगता है. जो कोई भी न्यू चीज़ आती है ना लोगों का काम होता है नए तरीके ढूंढना, नए ट्रिक्स बनाना, ठीक है ना. नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप किसी भी व्हीकल से बंदे को नॉक एंड फिनिश कर सकते थे जस्ट एक के आप बाइक से नहीं कर सकते थे. इस अपडेट के अंदर अब ऐसा होगा कि आप बाइक से बंदे नॉक भी कर पाओगे और फिनिश भी कर पाओगे, जैसे कि बग्गी हो गई, डासिया हो गई और यूएस हो गई, आप इनसे कर सकते थे, यहाँ तक कि आप स्कूटर से भी कर सकते थे जो थ्री सीटर है, ठीक है ना. लेकिन आप बाइक से नहीं कर सकते थे, आप जितनी भी कोशिश कर लो नहीं कर सकते थे, लेकिन इस अपडेट में अब ये होगा कि आप बाइक से भी बंदे नॉक एंड फिनिश कर पाओगे. नेक्स्ट जो अपडेट है वो एक न्यू व्हीकल आने वाली है, जो कि आप देख सकते हो, जो कि आप ज़मीन पे नहीं चलते देखोगे, ये हवा में चलेगी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, और बेस्ट थिंग कि ये पानी में भी चलेगी, और आपको इसकी टेस्ट ड्राइव भी थोड़ी सी देखने को मिल जाएगी. इसके अलावा मैं आपको बता दूँ ये टू सीटर है, आपका टीममेट भी आपके साथ बैठ सकता है. इट इज़ जस्ट लाइक एडवांस फॉर्म ऑफ बाइक,
जो कि आपके पास अच्छी सी स्किन है और आप इसे पानी में भी चला सकते हो और इसका फ्यूल भी बहुत कम खर्च होता है, तो आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला सकते हो। नेक्स्ट जो अपडेट है वो अचीवमेंट से भी रिलेटेड है। आप देख सकते हो कि एक तरह से रेटिंग दी जाएगी आफ्टर मैच अपने फ्रेंड को, तो ये आप रेटिंग दे सकते हो और ये अचीवमेंट भी आने वाली है। मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है, चेकआउट कर लेना अगर आपने वीडियो नहीं देखी। उसके अंदर मैंने अपकमिंग अचीवमेंट बताई है जिसके अंदर ये वाली अचीवमेंट भी है, तो ये देखकर आपको पता लग जाएगा वो वाली वीडियो भी देखकर, ठीक है ना। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड टू मोड है, ये एक तरह से ग्लाइडर है। काफ़ी सारे ग्लाइडर हमारे साथ शेयर कर चुका है पबजी मोबाइल, तो इसके अंदर भी एक ग्लाइडर है जो कि आपको काफ़ी दूर तक ले जा सकता है। समटाइम्स जोन आ रहा होता है जैसा कि अभी आ रहा है और आपके पास व्हीकल वगैरह नहीं होती, तो आप ये ग्लाइडर अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सकते हैं। इस तरीके से वो आपकी डिपेंड करता है स्किल्स पे, ग्लाइडिंग स्किल्स पे। तो इसके अंदर आपने एंटर करना है और एक थोड़ा सा चार्ज होगा और यहाँ पे इसके साथ आपका एक और फ्रेंड भी जा सकता है। अगर आपके पास गाड़ी है भी लेकिन आपको फास्ट जोन में जाना है, अगर आपके पास हीलिंग नहीं है तो आप इसके ज़रिए से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे मार्क लगा दिया है ताकि डिस्टेंस का पता लग जाए कि कितना दूर ये लेकर गया है, और इससे पता भी लग जाएगा एक तरह से अप्रोक्स आपको डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है ना, ये करीब 1800 से 1900 मीटर्स दूर गया था, और इस तरीके से आप प्ले जोन के अंदर जा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। अक्सर ऐसा होता है गेम में गाड़ियाँ बहुत कम स्पॉन होती हैं, अक्सर मैचेस में इस तरीके से होता है, बंदा ख्वार हो जाता है गाड़ियाँ ढूंढ ढूंढ के, और जो प्लेयर आपका भाग रहा होता है ना, ऐसा लगता है कि हम खुद भाग रहे हैं, तो बहुत उलझन सी हो जाती है कि भाई गाड़ी नहीं मिल रही, जल्दी से गाड़ी मिले तो हम जाएँ। तो ऐसा सीन हो तो आप कर सकते हैं ये। 1900 से 1800 मीटर तक ये डिस्टेंस आया है, काफ़ी अच्छा है। और इस वीडियो के लिए इतना ही था। आपने अगर पिछली वीडियो इसकी नहीं देखी तो चेकआउट कर लो, अचीवमेंट भी देख लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे लास्ट भी फॉलो कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।